मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मदर्स ब्लॉग इंटर कॉलेज। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको यूज ऑफ हैज और साथ ही साथ इजाबार वाक्य वर्ग का यूज बताया था। आज हम आपको उसी के आगे लेकर चलते हैं यूज ऑफ है। और हमने ये भी बताया था लास्ट के आपको कि हैज और हैव का मतलब क्या होता है। हैज और हैव का जो हर होता है पास या रखते थे होता है, जैसे कि अब इसमें देखते हैं इसका रूल्स। आई वी दे यू, आई वी होता है मैं, वी वी होता है हम, दे वी होता है वी, कर्ता के साथ पास या रखने की इंग्लिश लिखते हैं। अब इसके बाद में नोट डाल देते हैं यह जवाब में कर्ता किस प्रकार से आ जाए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मेरा शब्द होता है माई, जो मेरा होता है उसको हम लोग कहते हैं माई, लेकिन हम माई नहीं लिखते। माई ये जब कभी भी आ जाए मेरा शब्द उसके लिए हम आई लिखते हैं। यही चीज आपका हमारे लिए भी होगा। हमारा हमारे हमारे उनके लिए जो होता है आपका अवर, अवर ना लिख करके हम क्या राइट करते हैं वी। और इसके बाद में अगर आ जाए तुम्हारा तुम्हारा होता है योर, तो योर नहीं लिखते बल्कि हम उनके लिए यू राइट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आ जाए उनके उनके होता है आप तो देखिए देम, देम ना राइट करते हम क्या राइट करते हैं दे राइट करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है उनको समझते भी हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मेरे पास 50 रुपए थे, मेरे पास
₹50 हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे है लेकिन माई नहीं लिखना, बल्कि इसके साथ में क्या राइट करना है, आई। और पास याद रखने के लिए हमने बता रखा है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके लिए है, है। और 50 है तो 50 रुपीज RUKAA। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आ जाए हमारे पास चार गाय नहीं है, हमारे पास चार गाय नहीं है। अब देखिए यहां पर नहीं शब्द आ गया, जो नहीं की भी हम लिखेंगे वो आफ्टर है क्या है के बाद में लिखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट फोर काउच। इसके बाद में लास्ट देखते हैं यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ देखते यहां पर साथी थे लगा हुआ है, इसलिए हम करेंगे वी हैड टू बॉल्स। इसके बाद में लास्ट एग्जांपल से मुकेश के दो पुत्र थे, मुकेश के पास ऐसी लिखते हैं।
पास से रखना कि वही हेड इक्वल टू सेल्स। बच्चों ये रहे आपकी यूज ऑफ हेज और हेड। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट टाइम यूज के बाद में हम आपको नेक्स्ट टाइम शुरुआत करते हैं टेंस की, जो हम आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। अब आपको इनकी एट होम प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में बुक से देख करके। थैंक यू फॉर यू।